ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते। और आज के क्लास में, हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। यस, हेलो बिहू, दिव्यांशा, रंजन, हेलो बिहू। व्हाई बिहू को ही हेलो करना है भाई? आई विल स्टॉप चैटिंग, मैं आपका चैटिंग डिसेबल कर दूंगी। ओके रिद्धिमा, यस यस, हेलो, मैं आपके चैट डिसेबल कर दूंगी, फिर यू विल नॉट एबल टू राइट द कन्वर्सेशन विद ईच अदर, सो प्लीज डोंट डू इट। सो गुड मॉर्निंग, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास फॉर टुडे। एवरीबॉडी इज रेडी विद द भाषा माधुरी बुक एंड भाषा माधुरी कॉपी। भाषा माधुरी के बुक कॉपी लेकर तैयार है। ओके, साथ में अपनी पेंसिल भी ले लेंगे, तो सबको पता है। नाउ हियर इज द फोर स्टूडेंट्स हुज कैमरा इज स्टिल नॉट ऑन। इट्स आरव, पुष्कर, प्रवीण एंड कृषराज। चित्रांश का भी नहीं ऑन है, चित्रांश ऑन कर लो बेटा कैमरा। ओके, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। एंड इन टूडेज क्लास वी विल, ओ सॉरी, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या करना है, सबको पता है ना, यह दिल्ली है। और यह दिल्ली है में हमें पाठ को पढ़ भी लिया था, सभी बच्चों को पता है। और इस पाठ को पढ़ने के बाद हमने इसका प्रश्न उत्तर नहीं किया था, इस प्रश्न उत्तर को करेंगे हम। हाँ सर, हेलो, ओके, सो ये पाठ भी आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, मुझे पता है सभी बच्चों ने पढ़ा था ये पाठ को, ठीक है। उसके बाद फिर इसी पाठ में ही हम लोग दूसरे दिल्ली के शहर किए थे, इसका प्रश्न नंबर एक, प्रश्न नंबर तीन, प्रश्न नंबर चार हम पहले ही कर चुके थे, ठीक है। प्रश्न एक, प्रश्न तीन और प्रश्न चार हम पहले ही कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, प्रश्न दो, ठीक है। लेकिन आज हम थोड़ा सा उसका रिवाइज करते हैं, और उस रिवीजन में हम क्या देखते हैं, ठीक है, उस रिवीजन में हम देख रहे हैं कि हमने यस, सो पहला प्रश्न था सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। अभी मैं आप में से एक बच्चे को अनम्यूट करती हूँ, एंड जस्ट टेल मी, इट्स आदिति सिंह। आदिति बेटा अनम्यूट योर सेल्फ, आदिति अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। क्या आप मैम को सुन पा रही हैं? मैम का स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस मैम। ओके, थैंक यू, थैंक यू आदिति, म्यूट कर लो अपने आप को। ओके, सो चिल्ड्रन अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपका ये प्रश्न नंबर एक का है। प्रश्न एक में सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। जिन बच्चों ने नहीं किया था मैं उनके लिए ये चीज कर रही हूँ, वाक्य पूरा कीजिए। दिल्ली डैश भारत है, दिल्ली क्या है, छोटा भारत है, ये था ना, ये था दिल्ली, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें क्या हो गया, छोटा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है लाल किला डैश पत्थर का बना है, तो उस डैश पत्थर में मैम ने क्या लिखवाया था, लाल। ये हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया है ना। उसके बाद ग, राष्ट्र डैश भवन के सामने इंडिया गेट है, तो वो डैश भवन क्या है, वो डैश भवन था राष्ट्रपति भवन।
वो डैश भवन कौन सा था? राष्ट्रपति भवन के सामने इंडिया गेट है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार की डैश देखने लायक है। तो कुतुब मीनार की ऊंचाई देखने लायक है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका है कनाट प्लेस के पास जंतर मंतर है। ये देखो यहाँ कनाट हो गया, ये नहीं लिखना है हमें, इसको मिटा देना है, ठीक है। ये नहीं है, कनाट प्लेस के पास क्या है? तो कनाट प्लेस के पास है जंतर मंतर है, ठीक है। ये है हमारा प्रश्न नंबर एक। प्रश्न नंबर दो क्या है हमारा? प्रश्न नंबर दो है प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। सो हमें इसे किस में लिखना है? एक वाक्य में लिखना है। तो चलिए हम लोग एक वाक्य में इनके आंसर्स लिखते हैं, है ना। क्या है हमारा है ये, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। एंड हियर इज द आंसर। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये क्वेश्चन है, हाँ इसमें क्वेश्चन मार्क रह गया। ओके, सो यहाँ पर दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका उत्तर क्या है हमारा? दिल्ली किस नदी किनारे बसा है? दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, है ना। ये आपका आंसर क्या है? इसका मेन आंसर क्या है? यमुना नदी, है ना, यमुना नदी। दिस इज द मेन आंसर। ओके ओके, अब जो अगला प्रश्न है, ये हमारा एक प्रश्न हो गया, एक प्रश्न का उत्तर हो गया, वो प्रश्न नंबर एक का उत्तर हमारा हो गया। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर दो पर। प्रश्न दो क्या है हमारा? चांदनी चौक। प्रश्न दो हमारा क्या है? चांदनी चौक में कौन सा गुरुद्वारा है? प्रश्न ये है और उत्तर क्या है हमारा? चांदनी चौक, उत्तर क्या है? चांदनी चौक में सीसगंज गुरुद्वारा है। उत्तर क्या है हमारा? चांदनी चौक में सीसगंज गुरुद्वारा है। तो आप ये दोनों प्रश्न उत्तर लिखिए। तो प्रश्न नंबर एक आपने प्रश्न नंबर एक और प्रश्न नंबर दो
कर लिया है, प्रश्न नंबर एक और दो कर लिया है। अब प्रश्न नंबर तीन पर आते हैं हम, ठीक है। प्रश्न नंबर तीन हमारा क्या है, पुराने किले में क्या बना हुआ है। तो बच्चों आपने देखा होगा ना, प्रश्न नंबर तीन क्या है, पुराने किले में क्या बना हुआ है, पुराने किले में क्या बना हुआ है। ये हमारे पास क्वेश्चन में नहीं था, क्वेश्चन में क्या नहीं था, ये लिखा नहीं था पुराने किले में क्या बना है। तो आप में से कोई बच्चा आंसर करेगा, ऐसे मैं आपको आंसर करती हूँ, पुराने किले में चिड़ियाघर बना हुआ है। पुराने किले में क्या बना हुआ है, चिड़ियाघर बना हुआ है। हेलो, ओके, प्रश्न मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया, बट यू नीड नॉट टू बी अनम्यूट योरसेल्फ, ठीक है, जब मैं बोलूंगी तभी। अभी अपने जैसे कैमरे में आप सभी दीजिएगा, क्या भेज दीजिएगा, ठीक है। मैं अभी दिखा रही हूँ बेटा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो, मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है जिससे आप सोच रहे हो, ठीक है। जल्दी से फटाफट आप दोनों क्वेश्चन कीजिए बच्चों। ओके ओके, सो कंप्लीट हो गया है। अभी हम दूसरा करते हैं, प्रश्न नंबर चार। प्रश्न नंबर चार है, नई दिल्ली में पहली मेट्रो रेल सेवा कब शुरू हुई, कब शुरू हुई थी। नई दिल्ली में पहली रेल सेवा कब शुरू हुई थी, नई दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई। दिल्ली पहली रेल सेवा कब शुरू हुई थी दिल्ली में, तो 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी, इससे पहले नहीं हुई थी वहां पर, ठीक है। उसके बाद एक आपका अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आपका क्या है, दिल्ली में किस धर्म के लोग रहते हैं। तो दिल्ली में तो सभी धर्म के लोग रहते हैं, और ये बुक में भी दिया हुआ है हमारे आंसर, ऐसे तो सभी राज्यों में बेटा सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशल दिल्ली के बारे में पूछा, और हमने पाठ में पढ़ा भी है ना लास्ट पैराग्राफ में कि दिल्ली में सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो उत्तर हमारा क्या है, दिल्ली में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। उत्तर हमारा क्या है, दिल्ली में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं। इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर एक दो तीन चार और पांच, पांचों प्रश्न कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये पांचों प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया है।
ठीक है, ये पांचों प्रश्न उत्तर आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। सभी बच्चे अपने बुक में करेंगे, आप लोग लिख रहे हैं अभी है। साक्षी वर्मा अनम्यूट योर सेल्फ बेटा, साक्षी वर्मा अनम्यूट योर सेल्फ। साक्षी आप लिख रही हैं बेटा? यस मैम। ओके आपने लिख लिया ना, वेरी गुड। चलिए अभी नेक्स्ट हम लोग करेंगे। आप में से कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे लास्ट क्लास में ना कि मैम होली का कंप्लीट नहीं हुआ है, मैम होली का कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपसे मैं ये एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि होली वाला जो है ना, होली वाला जो है आपका, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप में से बहुत बच्चों ने बोला कि मैम होली वाला हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए होली वाला। ये पांच लाइन यहाँ पर दी हुई है होली की, ठीक है, और फिर छह से लेके ग्यारह, छह सात आठ नौ दस ग्यारह, यहाँ पे वो लाइनें हैं। आप इनमें से कोई भी दस पंक्तियां कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी दस पंक्तियां आप इसमें से कर सकती हैं। और ये भाषा अभ्यास, ये भाषा अभ्यास में है, ये भाषा अभ्यास में है, और ये भी करवा दिए हैं, है ना। सो चिल्ड्रन, आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम अगली चीजें पढ़ेंगे, और अगर आपको कोई टॉपिक हिंदी में पढ़ना है जो समझ नहीं आया है तो आप मैम को मैसेज कर देंगे। फ्रॉम 2A एंड 2D दोनों क्लास के बच्चों से मैं बोल रही हूँ। ओके, हियर इज द दिव्यांश रंजन, वांट टू से समथिंग। दिव्यांश फर्स्ट अनम्यूट योर सेल्फ। यस यस, गुड मॉर्निंग मैम। यस बेटा, आस्क योर क्वेश्चन। मैम क्वेश्चन नंबर वन एंड टू दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर वन और टू। अच्छा बेटा, मैं जब लिंक शेयर करूंगी ना उसमें आप देख लीजिए, ऐसे मैं दिखा देती हूँ, अभी मैं दिखा देती हूँ। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? अगर और किसी को कुछ पूछना है तो अपना क्वेश्चन पूछिए। किसी को कुछ पूछना है बेटा तो पूछ लीजिए फटाफट। आपको चाहिए था आंसर वन टू का। और किसी बच्चे को कुछ चाहिए देन मैसेज करो आप मेरे को। ओके, आपको स्क्रीनशॉट करने के लिए चाहिए ना, मैम आपको दिखा रही है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर वन एंड टू। ओके, सो यू कैन सी हियर। अच्छा मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं ना, आपको बड़ा चाहिए। ओके, ओके, लुक हियर, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली किस नदी किनारे बसा हुआ है? अब आपको यहाँ दिख रहा है ना बच्चों, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा आंसर आपका यहाँ पर है, चांदनी चौक में कौन सा गुरुद्वारा है? चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा है। अगला प्रश्न है, पुराने किले में क्या बसा हुआ है? देन द आंसर इज, पुराने किले में चिड़ियाघर बना हुआ है, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए एंड देन उस आंसर को कंप्लीट कर लेंगे। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयरिंग, नहीं बट बिफोर स्टॉप शेयरिंग आई मस्ट शेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, है ना। ये रहा आपका नई दिल्ली में
रेल मेट्रो रेल सेवा कब शुरू हुई थी? ये आपका एक क्वेश्चन क्या है, नई दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा कब शुरू हुई थी? तो मेरे को तो डेट याद हो गया, वो डेट क्या है, 24 दिसंबर 2002 में पहली बार दिल्ली में रेलवे मेट्रो स्टार्ट हुई थी। दिल्ली में किस धर्म के लोग रहते हैं? सभी धर्म के लोग रहते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयरिंग नाउ। होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया क्वेश्चन आंसर का। एंड नाउ आई एम गिविंग यू परमिशन टू ऑल ऑफ यू टू यू कैन से योर प्रॉब्लम, आस्क योर प्रॉब्लम, व्हाट एवर जो भी तुम लोग फेस कर रहे हो बेटा। ओके मैम, आई वॉन्ट, यस यस यस, आई वॉन्ट व्हाट यू राइट हियर, आई हैव टू सीन। मैम आई वॉन्ट टू से समथिंग, 2 3 4 5, यस आदिति, यस यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। आदिति यू कैन, आदिति बेटा यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क अ क्वेश्चन। बोलो था तो आप आज कर लेंगे। ओके बेटा, तो For today's class, इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, और जिन बच्चों ने नहीं कंप्लीट किया है वो लिंक देख करके कर लेंगे। सो बाय फॉर टुडे। मेरे को एक बच्चे ने बोला कि मैम 1 2 3 4 का क्वेश्चन मैंने किया, 5 का नहीं किया। देन आप वो लिंक चेक करेंगे बेटा और वहां से करेंगे। ओके बाय।